वारदात करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 15,000 की नकदी सहित ड्रोन कैमरा, पेन ड्राइव और 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस के अलावा घटना में शामिल टाटा 207 बोलेरो पिकअप बरामद की है। और आपको बता दें कि मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र के छाछा अलीपुर खेड़ा मार्ग पर स्थित ग्राम जलालपुर नहर पुल पर अपनी बोलेरो पिकअप को बीच पुल पर रोककर भैंसों की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू कर लिया है। बता दें कि बीते 1.5 माह पूर्व पर एक फोटोग्राफर एक मैरिज की बुकिंग करके रात को घर जा रहा था। इसी दौरान चोरों द्वारा फोटोग्राफ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 20,000 की नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी अनवर और टिकारी बंजारा निवासी रीचपुरा थाना कुलावरी रईस और सल्फा निवासी केन पांडे के पीछे भट्टा कस्बा भोगाम के हैं, जो अंतरजनपदीय भैंस चोरों की गैंग में शामिल हैं, जो अलग अलग जगह पर भैंसों की चोरी करने का काम करता था। अन्य भागी हुए इनके साथ ही जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। भैंस चोरों पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उसमें एक नाम इसका आया जिसका मुख्य अभियुक्त है, क्या नाम इसका है, नंबर मिला हमें। उस मोबाइल नंबर को हमारी सर्विलांस टीम ने देखा है, तो वो पूरा गैंग उसके सामने आया और उसने फिर सबके मोबाइल आप भी हो गए। उसी से हम लोगों को लग गया कि ये गैंग है पुराना वाला। पहले ये गैंग लाइट में आ चुका था कभी, तो सबसे पहले इनकी जब पकड़ की गई तो एक रहीस उर्फ सुल्फा एक अभी किए हैं और दूसरा अभी टिकारी नाम टिकारी बंजारा, ये बंजारा समाज के यानी कि लूट से डकैती में तरमीम हो गया। इनमें 2 पकड़ में आ गए हैं, अभी 4 लोग इसमें फरार। इनके कब्जे से बड़ी मशक्कत से हम लोगों ने ड्रोन कैमरा बरामद किया, लेकिन वो ऑलरेडी उन्होंने जला करके दफना दिया था ताकि ये कोई सबूत ना छूटे। तो सबूत को नष्ट करने की धारा भी 201 IPC बड़ी हुई बरामद हुआ है। एक मोबाइल जली हुई अवस्था में बरामद हुई है, एक पेन ड्राइव भी जिसमें शादी के वीडियोस मिले, तो केस कनेक्ट हो रहा है इससे। एक पेन ड्राइव भी मिली जिसमें वो जो शादी में वीडियोस कवर किए थे वो सारा। इसके अलावा 15,000 रुपये भी इनके कब्जे से बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त टाटा 207 वाहन बरामद है और तमंचे कारतूस आई। हाईवे के 2 किलोमीटर अंदर लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का ड्रोन कैमरा, 2 मोबाइल फ़ोन और 60,000 रुपये लूटे गए थे। उस घटना के निवारण के लिए एडिशनल SP के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसको सफलता मिली है। उसमें 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। ये 2 लुटेरे जब गिरफ्तार किए गए तो इनसे पूछताछ में 4 और नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर के 6 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस कारण से ये घटना अब डकैती में तरमीम हो रही है। इनके कब्जे से लूटा गया ड्रोन कैमरा जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है, एक मोबाइल जली हुई अवस्था में बरामद हुई है, साथ ही साथ 15,000 रुपये नकद भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। और इस घटना में प्रयुक्त टाटा 207 वाहन इनके कब्जे से बरामद हुआ है और साथ ही साथ 2 तमंचा और 4 कारतूस भी इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना का बिल्कुल सटीक खुलासा हुआ है। 4 अभियुक्त अभी फरार हैं। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये बंजारा समाज के लोग हैं, जगह बदल बदल के रहते हैं। इनको गिरफ्तार करने में काफ़ी मशक्क़त का काम करना पड़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छी सफलता मिली है और सही खुलासा करके इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनमें एक का नाम रहीस और सुल्फा है, दूसरे का नाम टिकारी है और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर, ये ग्रुप किस तरीके से कार्य करता था? ये मूलतः इनके कई तरह के काम करते हैं, इसमें पशु चोरी मुख्य रूप से है, लेकिन पशु चोरी या पशु लूट करने में नाकाम जब रहते हैं तो कई बार ये
रास्ते में जो भी यात्री जा रहे होते हैं उन पर हमला करके लूटपाट की घटना को कारित करते हैं। एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसको बस्ट आउट करने में मैनपुरी पुलिस को सफलता मिली है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.